friends, welcome back to our channel Sia and Swaraj Show. आज हम कुछ curious stuff जानने वाले हैं. एक adult human being में 206 bones होते हैं और 306 bone joints होते हैं and 700 muscles होते हैं. ये muscles, joints और bones किसके लिए होते हैं? बैठने के लिए, rest लेने के लिए? नहीं. तो जब भी हम वर्किंग पोजीशन में होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है. मगर जब बैठ जाते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और इसी वजह से हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए. नहीं दीदी, फिजिकल एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं. राइट, फिजिकल एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर बिना फालतू के ऐसे पड़े रहना, पूरे दिन बैठते रहना, उसमें हमें बहुत हार्मफुल हो सकता है. वो हमारे लिए तो अच्छा फील करता है, पर वो क्या हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है? वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, बहुत हेल्पफुल भी लगने वाली है और इन्फॉर्मेटिव तो है ही है. तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. हमारे नॉन सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर्स ज्यादा है, इसीलिए जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंजॉय कीजिए. कोविड की वजह से हम घर से स्कूल कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स भी वर्चुअल दुनिया में सेट हो चुके हैं. फ्रेंड्स, बट हमारी जो स्किन होती है वो इलास्टिक होती है, रबर बैंड की तरह. उसे हम स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है और छोड़ देते हैं वो तो वो अपनी पोजीशन में फिर से आ जाती है. ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि हम मूवमेंट्स करें. हमारी बॉडी में इतने सारे बोन्स क्यों है? ये इसीलिए है कि हम मूवमेंट्स करते रहे. नहीं तो हमारे फिंगर्स एक बोन भी हो सकते थे ना, बट दे आर 3 डिफरेंट बोन्स, राइट. उसी तरह जब भी हम कुछ करने बैठते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर अगर सही नहीं होता है तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल गिर जाता है. और हम बैठते क्यों है? हम अपने काम के लिए बैठते हैं, हमारे स्टडीज के लिए बैठते हैं. और अगर हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं होगा तो क्या स्टडी होगा, राइट. इसीलिए जब भी हम कुछ करने बैठे तो हमें राइट पोस्चर में बैठना चाहिए और एटलीस्ट 1 घंटे में 1 बार तो उठना ही चाहिए और थोड़ा सा वॉक कर ले या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग्स कर ले एंड फिर से बैठे अपने काम के लिए. फ्रेंड्स, अगर हमें चलना ही नहीं है, वर्क ही नहीं करना है, तो हमारा इवोल्यूशन ही क्यों हुआ था? हमारे बॉडी में एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन लिपेस. ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में फैट कट करता है. और इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि हमें खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि खाने के तुरंत बाद सोने से हमारे बॉडी में फैट बढ़ते रहता है. और ये एंजाइम, जैसे कि मैंने कहा कि ये एंजाइम जब भी हम बैठते हैं या सोते हैं तब ये एंजाइम टेम्परली स्टॉप हो जाता है. इसी वजह से हम जब भी बैठते हैं तब बॉडी में फैट बढ़ते रहता है और इसी कारण हमें ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए जिससे कि फैट बॉडी में बढ़े ना. दीदी, ये सब तो हो गया, पर सिटिंग को न्यू स्मोकिंग क्यों कहा जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसे कि आपको पता है, स्मोकिंग से हमें बहुत बड़े बड़े डिसीजेस होते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं. वैसे ही सिटिंग कुछ कम नहीं है. सिटिंग से हमें डायबिटीज हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, लंग प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे जब हम बेंड करके बैठते हैं तब हमारा जो लंग्स होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है. उसके बाद हमें पैरालिसिस हो सकते हैं, हमें कैंसर हो सकता है. और ये सब प्रॉब्लम्स कुछ कम है? नहीं ना, इसीलिए सिटिंग भी स्मोकिंग से कम नहीं है. ओ, तो मेरा और फ्रेंड्स का क्वेश्चन है कि इससे बचे कैसे? बहुत इजी है. हमें दिन में एटलीस्ट 1/2 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कुछ भी कर सकते हो, बस 1/2 घंटा निकाल लेना खुद के लिए जिससे कि ये सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग वाली प्रॉब्लम ना हो. और दूसरा सॉल्यूशन है कि हमें सोने से 1/2 घंटे पहले कोई भी डिवाइस जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल्स ये सब छोड़ देने हैं. और दिन में मोबाइल कम यूज करना है जिससे हमारे ब्रेन को कोई प्रॉब्लम ना हो. एंड दैट्स इट.
में आप सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग से बच सकते हो। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हमें लगता है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी हो, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें ये सिटिंग इज स्मोकिंग की प्रॉब्लम ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर देना, मतलब नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।